वृक्ष का पौधा लगाया जो मुझे भोपाल के पत्रकार मित्रों ने कल भेंट किया था, और आज यहाँ अभी करंज का पौधा लगाया, पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण का अभियान जारी है और ये मुझे आत्मा का सुख देता है। पिछले 15 दिन में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिन्होंने मुझे झकझोर दिया है, अंदर से हिला दिया है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहाँ स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज DGP को मैंने निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून है। आखिर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें खाई है, और घर से ले जाओ जंगल में लकड़ी बीन और हाथ काट दो, ये साधारण अपराध नहीं है, ये भयंकर तम अपराध है। और इसलिए इसको केवल 307 का मामला नहीं माना जा सकता। अभी इस पर धारा 307 लगती है, लेकिन घरेलू हिंसा के इस जघन्य मामले पर आज मैंने निर्देश दिए कि और कड़ा कानून बनाया जाए। मैं साधारण अपराधों की तरह ऐसे मामले नहीं ले सकता। आज मध्य प्रदेश में मैं अपील भी करना चाहता हूं कि हम मध्ययुगीन वर्वर युग में जी रहे हैं, पति की मर्यादा और पत्नी के हाथ काट दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए घरेलू हिंसा के खिलाफ एक जनजागरण का अभियान भी चले, ये भी मैंने सोचा है, और एक नया कानून बने जो ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड दे जिससे ये शहर जाएं और ऐसी घटना फिर ना हो। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। कई उपाय हमने किए हैं लेकिन ये लोगों की जिंदगी का सवाल है, और मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्य शासन के नाते हमारी जवाबदारी है कि संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हमारी 3 तरह की तहरी रणनीति है। नंबर 1, संक्रमण को रोकना। नंबर 2, बढ़ते हुए संक्रमण को देख के अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करना। और नंबर 3, तेजी से वैक्सीनेशन करके इस महामारी के संकट को कम से कम करना। आज शाम को मैं कोरोना पर फिर बैठक कर रहा हूं खजुराहो से आने के बाद। मैंने पहले ही कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करता है, लोगों को बेरोजगार करता है। हम उससे प्रदेश को बचाना चाहते हैं लेकिन लोगों की जिंदगी भी हमें बचाना है, महामारी पर नियंत्रण पाना है, और इसलिए यह आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं
कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं, घर पर मनाए जा सकते हैं, आस्था श्रद्धा को भाव से प्रकट किया जा सकता है। लेकिन जिन जिलों में महासंक्रमण है, पिछली बार से तेजी से कोरोना के संक्रमित पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे खतरे मोल नहीं ले सकते। इसलिए जरूरत पड़ी तो आपद धर्म का पालन करेंगे। मैं फिर अपील करता हूं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ रहें, यही उपाय संक्रमण को रोकने के लिए। चौथा, वैक्सीनेशन। मास्क वायरस को शरीर में जाने से रोकता है, हम बच जाते हैं मास्क से। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम बनाते हैं तो दूसरे का वायरस हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम कैरियर नहीं बनेंगे। नहीं तो हम तो बच गए मास्क लगा के, लेकिन हम चिपक के खड़े हैं, दूसरे का वायरस हमारे शरीर पे आ गया, हम किसी तीसरे को पहुंचा देंगे। हमको कैरियर नहीं बनना है, इसलिए डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर इस मास्क को, इस वायरस को मारता है, और इसलिए ये तीनों उपाय जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए फैसले किए जाएंगे।